नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन था 11th नंबर का। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भारिया जनजाति के संबंध में सत्य क्या है, और उसमें चौथा स्टेटमेंट था कि इनके युवागिरी को रणबंग कहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि भारिया, भूमिया, भुईहार, ये सभी जनजाति जो है वो एक ही जनजाति समूह से बिलोंग करती है। ये लोग अलग अलग स्थानों में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, MP में रहते हैं, तो अलग अलग स्थानों में इनकी बोलियाँ भी अलग अलग है और इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी वजह से, चूँकि इनकी बोलियाँ अलग अलग है, इसके कारण इनके जो युवा गृह है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर भारिया जनजाति MP में कहा जाता है, इनको वहीं छत्तीसगढ़ में भूमिया जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग रेफरेंस में इनके युवा गृह के नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी जिसे CGPSC फॉलो करता है, रेफरेंस लेता है उसका, तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में लिखा हुआ है कि भारिया का घसरवासा है और भूमिया का रंगबंग है। तो आप लोग इसे ही सही मानिएगा, इसे ही फॉलो कीजिएगा। ये जो डाउट्स था, बहुत सारे कमेंट आए थे, आई थिंक आप लोग को अभी क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं आज का जो क्वेश्चन है उस पर। तो CGPSC में हमेशा से जनजातियाँ, आर्ट एंड कल्चर जो है, ये जो वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है छत्तीसगढ़ GS का, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले वीडियो पर, वो थोड़े से स्टेटमेंट फॉर्म में थे, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में थे, लेकिन जनरली बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और भी जो वैराइटीज़ के क्वेश्चन जो यहां से आ सकते हैं, आज हम उसे डील करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहां पर चार ऑप्शन दिए गए, हमको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है कि हर पर्टिकुलर जो जनजातियां हैं उसकी विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन में दिया गया, आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति हलबा, साथ साथ में डील करेंगे। देखिए, हलबा जनजाति जो है वो बस्तर संभाग में निवास करती है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, ये वाले एरिया में निवास करती है। तो हल वाहक होने के कारण इन्हें हलबा कहा गया, मतलब कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। ये लोग, इनकी जो गणना है वो संपन्न किसानों में की जाती है, ये लोग भूमि के स्वामी होते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से, चूंकि ये लोग कृषि का कार्य करते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से बाकी जितनी भी जनजातियां हैं उसकी अपेक्षा में ये लोग समृद्ध हैं, विकसित हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, हाँ ये सत्य है कथन, लेकिन हमको क्या चुनना है, असत्य कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर बी है, सबसे साक्षर जनजाति उराव। उराव जनजाति कहाँ निवास करती है, ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, ये वाला जो एरिया, यहाँ पर उराव जनजाति निवास करती है। इस जनजाति के लोगों में शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है, जितने लोग हैं यहाँ के मैक्सिमम लोग शिक्षा प्राप्त करके नगरों में रहने लगे हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से बाकी जनजातियों की अपेक्षा जो है ये जनजाति जो है वो विकसित है, साक्षर है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसका भी कथन जो है वो सही है। ठीक है, तीसरा है, सबसे पिछड़ी जनजाति पंडो। पंडो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, लेकिन सबसे पिछड़ी जनजाति नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, अबू झमाड़िया है। अबू झमाड़िया कहाँ निवास करती है, नारायणपुर का जो एरिया है, अबू झमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ निवास करती है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जनजातियाँ कहाँ निवास करती है, दुर्गम जंगलों में निवास करती है, मतलब कि ये लोग आज भी वनोपज संग्रहण करके, या फिर क्या बोला चाहिए, खाना बदोश जीवन ये व्यतीत करती है, और अपने जीविकोपार्जन के लिए ये जो भी जंगल में जो भी प्रकृति से मिल रहा है इनको, उस पर डिपेंडेंट होती है। इनकी साक्षरता केवल और केवल 19% है, समझ रहे हो आप लोग, इनकी साक्षरता दर कितनी है, 19.25% है। ठीक है, तो साक्षरता की दृष्टिकोण से देखिए, इनके जीविकोपार्जन का जो साधन है, इनका आर्थिक स्तर है उसे देखिए, या फिर कह सकते हैं इनकी जो जनसंख्या है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की कौन सी है, अबू झमाड़िया है। तो ये वाला जो कथन है वो करेक्ट नहीं है, और यही हमारा सही आंसर होगा। चौथा भी देख लेते हैं कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुरिया जनजाति है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुरिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, घोटुल कहते हैं, और घोटुल में विभिन्न पर्वों में, त्योहारों में, इन लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वैरायटीज में नृत्य किए जाते हैं, गीत किए जाते हैं, ककसा नृत्य, मांडवी नृत्य, आप लोगों ने बहुत सारे इन लोगों के नृत्य की वैरायटीज सुनी होगी, इन लोगों के गीत की वैरायटीज सुनी होगी। तो इस प्रकार से मुरिया जनजाति के लोग अलग अलग रस्म में, अलग अलग अवसर पर, अलग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं, गीत करते हैं, उत्सव मनाते हैं।
तो इस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से इनकी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती है, इसलिए इन्हें सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कहा जाता है बाकी जनजातियों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो नहीं बल्कि अबू जमाड़िया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें मैच द फॉलोइंग। देखिए, एक तरफ लिस्ट वन में जितनी भी किताबें उसका नाम दिया गया और लिस्ट टू में इसके राइटर कौन थे उसका नाम दिया गया। हमें इसे मैच करना है कि किस किताब को किस राइटर ने लिखा है। पहला है द बैगास। द बैगास को वेरियर एल्विन ने लिखा है। ये आदिवासी कार्यकर्ता थे, ब्रिटिश थे ये, जो मध्य भारत का एरिया यहाँ पर ये आए थे और इन्होंने गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के ऊपर रिसर्च किया था। इनकी किताब है द बैगास, मुरियन देर घोटुल, द अगरिया, द गौर, ये सारी इनकी किताबें हैं। द बैगास 1939 में पब्लिश हुआ था। तो ए का मैच क्या हो जाएगा? 4। दूसरा है द बिरहोर। द बिरहोर SC रॉय ने लिखा है, सरद चंद्र रॉय इनका नाम है, पूरा नाम जो है। तो बी का हो जाएगा मैच 1। द कमार, द कमार जो है श्यामा चरण दुबे, SC दुबे, जो तीसरे नंबर का है, इन्होंने ये किताब लिखी है। तो सी का मैच हो जाएगा 3। और 4, द भील का मैच होगा PV नायक। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2। देखिए, ये जितनी भी किताबें हैं जनजातियों से रिलेटेड और इनके राइटर हैं, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। किसी ट्रिक्स लगा के याद रखो या बार बार पढ़ के याद रखो, लेकिन याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या फिर किताब का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका राइटर कौन है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये वाला टॉपिक जो है आप लोग मिस मत कीजिएगा, पढ़िएगा इसे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर जनजाति और उसके जो आराध्य देव हैं, जो उनके स्थानीय आराध्य देव हैं, उनके बारे में दिया गया और हमको बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है वो मैच नहीं कर रही है। पहला ऑप्शन है बैगा का बूढ़ा देव। हाँ, तो बैगा जनजाति के जो लोग हैं जो मैकल रेंज में निवास करते हैं, ये लोग बूढ़ा देव को मानते हैं। देखिए, आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, जैसे कि बैगा का जो पहला लेटर क्या है वो बी है और बूढ़ा देव का भी पहला लेटर क्या है? बी है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि बैगा जनजाति के जो आराध्य देव हैं वो बूढ़ा देव हैं। इनका ऐसा मानना है कि ये जो बूढ़ा देव है ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इसके अलावा ये ठाकुर देव को मानते हैं, ठाकुर देव जो हैं इनकी भूमि की रक्षा करते हैं। देखिए, यहाँ से भी आप ट्रिक्स बना सकते हैं कि जनरली जो जमींदार होते हैं वो क्या होते हैं? ठाकुर होते हैं। मैंने जनरली की बात की ना, ये ध्यान में रखिएगा, ट्रिक्स बता रही हूँ कि जनरली जो जमींदार होते हैं वो ठाकुर होते हैं। तो ऐसे आप लोग ट्रिक्स लगा के याद रखिएगा कि इनके जो भूमि की रक्षा करने वाले देवता हैं वो कौन है? ठाकुर देव हैं। और दुल्हा देव जो है वो बीमारियों से इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसकी जोड़ी जो है वो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मुरिया जनजाति का लिंगोपेन। तो हाँ, मुरिया जनजाति के जो देवता हैं वो लिंगोपेन है। लिंगोपेन सेमर गांव के निवासी हैं, ये कांकेर क्षेत्र का एरिया है। यहाँ पर इन्होंने घोटुल की स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक ये घोटुल की परंपरा चली आ रही है, जहाँ पर मुरिया जनजाति के अविवाहित सदस्यों को सांस्कृतिक धार्मिक रूप से सिंचित किया जाता है। तो चूँकि इन्होंने घोटुल स्टार्ट किया था, घोटुल की परंपरा स्टार्ट की थी, इसलिए इन्हें घोटुल का देवता माना जाता है। इनका कोई रूप आकार नहीं होता, ये घोटुल में सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, तो ये वाला जो मैच है ये भी सही है। कोरवा जनजाति का सरना देवी नहीं, उराव जनजाति के आराध्या देवी है सरना देवी। सरना देवी, इनका ऐसा मानना है कि साल वृक्ष पे निवास करती है और चैत्र माह में जब साल वृक्ष पे फूल खिलते हैं तो ये लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। प्रकृति से संबंधित है ये जो त्यौहार है और अच्छी फसल की कामना के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। यहाँ पर सरना देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो उराव जनजाति की जो आराध्या देवी है वो कौन है? सरना देवी है। और कोरवा जनजाति के लोग किसे मानते हैं? खुड़िया रानी देवी को मानते हैं। खुड़िया रानी देवी का जो मंदिर है वो जशपुर में है। तो इस प्रकार से ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसका मैच सही नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारिया जनजाति। मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर देव को मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो बागेश्वर देव है ये बाघों से इनकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया कि बैगा का जो आराध्य देव है वो कौन है? बूढ़ा देव। मुरिया के लिंगोपेन, घोटुल के देवता है ये। कोरवा जनजाति की आराध्या जो है वो खुड़िया रानी है और उराव जनजाति की आराध्या सरना देवी है। भारिया जनजाति के बागेश्वर देव है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरवा जनजाति की सरना देवी नहीं है।
अगला प्रश्न है, सुमेलित करें मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर एक तरफ जनजाति का नाम दिया गया है लिस्ट वन में, और लिस्ट टू में इनके पारंपरिक कार्य, इनका जो ट्रेडिशनल वर्क है उसके बारे में बताया गया है। हमें मैच करना है कि किस जनजाति के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। पारधी जनजाति, देखिए ये जो पारधी जनजाति है, इस शब्द की उत्पत्ति, पारधी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के पारत से हुई है, जिसका मतलब होता है शिकार। ठीक है, तो प्राचीन समय में जनजाति के लोग अपना जो जीविकोपार्जन है वो शिकार करके करते थे, और स्पेशली ये लोग काले पक्षी का शिकार किया करते थे। ठीक है, तो इस जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, पारंपरिक कार्य काले पक्षी का शिकार करना। तो ए का मैच हो जाएगा थ्री। दूसरा है भतरा जनजाति। भतरा का मतलब ही होता है भृत या सेवक। इस जनजाति के जो पूर्वज थे वो बस्तर के शासकों के सेवक हुआ करते थे, कामकाज के मामले में ये विश्वास पात्र हुआ करते थे। तो इन्हें क्या कहा गया, भतरा कहा गया। उड़ीसा के क्षेत्र में इन्हें भूतड़ा कहा जाता है। तो इनका पारंपरिक कार्य क्या है, सेवक का कार्य करने वाले। तो बी का मैच हो जाएगा फोर। तीसरा है मुरिया। मुरिया जनजाति कास्ट शिल्प में निपुण होती है। इनके कास्ट शिल्प का आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो जो घोटुल के स्तंभ होते हैं, इनकी मूर्तियाँ, झूले, धनुष पाड़, ये जितने भी वस्तुएं हैं जो कि कास्ट से बनती है, ये कास्ट शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन जनजातियों में इनका जो मृतक स्तंभ होता है वो भी कास्ट का बना होता है। तो इस प्रकार से सी का मैच हो जाएगा वन। कोरकू जनजाति। कोरकू, इस जनजाति के लोग प्राचीन समय में जड़े खोदने का या कोरने का काम करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, कोरकू कहा गया। इस जनजाति के लोग जमीन खोदने का कार्य करते हैं, इन्हें अरंधा कहा जाता है। कोरकू एक्चुअली दो शब्द से मिलकर बना है, कोर प्लस कू। कोर का मतलब होता है मानव, और कू बहुवचन के लिए यूज़ किया जाता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं मानव समूह। ठीक है, तो इस जनजाति के लोग प्राचीन समय में क्या करते थे, जमीन खोदने का कार्य करते थे। ठीक है, जमीन कोरने वाले थे ये लोग, इसलिए इन्हें कोरकू कहा गया। तो डी का मैच हो जाएगा टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन और डी का टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर लिस्ट वन में फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, और दूसरी तरफ लिस्ट टू में ये किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम दिया गया है। तो हमें मैच करना कि कौन सा फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर हिंदी कैलेंडर के नाम दिए गए हैं, ध्यान में रखिएगा आपको हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं इसको याद करना पड़ेगा। पहला है नवाखानी। नवाखानी शब्द से ही समझ में आ रहा है कि नवा से अभिप्राय है नया, और खानी मतलब कि खाना, खाना मतलब अन्न। तो भादो का महीना है, भादो मतलब कि अगस्त और सितंबर का महीना है, जब खेतों में फसल जो है वो पक चुके हैं। ठीक है, अब कटाई का समय आ चुका है, तो नए फसल को ग्रहण करने से पहले गोंड जनजाति के द्वारा जो भी इनके कुल देवता होते हैं, स्थानीय देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और उन्हें ये नए अन्न को अर्पित किया जाता है, और उसके बाद इसे ग्रहण किया जाता है। तो इस त्यौहार में क्या किया जाता है, गोंड जनजाति के द्वारा भादो के महीने में जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है वहाँ से लेकर पूर्णिमा तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो फसल में नया अन्न है उसे ग्रहण करने से पहले ही अपने देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उन्हें पूजा अर्चना करते हैं उनकी। तो इस प्रकार से इस फेस्टिवल को मनाते हैं, नए अन्न को ग्रहण करने से पहले इसे अपने देवी देवता को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो इस नवा खाने का मेन मोटिव यही है कि नए अन्न को ग्रहण करने से पहले अपने देवी देवताओं को अर्पित करना। ठीक, कौन सा मंथ है, भादो का महीना है, तो ए का मैच हो जाएगा फोर। दूसरा है सरहुल। जैसा कि आप लोग को पता है कि उड़ाव जनजाति की जो आराध्या देवी है वो कौन है, सरना देवी है। इनका ऐसा मानना है कि सरना देवी जो है वो साल वृक्ष पर निवास करती है, और चैत्र का माह मतलब गर्मी का मौसम है, मार्च अप्रैल का महीना है, चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं ये लोग, ये फेस्टिवल को मनाते हैं। चैत्र के माह में साल वृक्ष पर फूल खिलने पर ये लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं, और सरना स्थल में जाते हैं जहाँ पर सरना देवी की स्थापना की जाती है, वहाँ पर सरना देवी की पूजा की जाती है, अच्छे फसल की कामना करते हैं इन लोग। जो आने वाला मौसम है जहाँ पर ये लोग फसल करने वाले हैं उसकी कामना ये लोग स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। अप्रैल का माह है, चैत्र पूर्णिमा के दिन इस त्यौहार को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सरना देवी की पूजा करते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं, फिर सामूहिक रूप से नृत्य का आयोजन किया जाता है, युवक और युवतियाँ दोनों के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से सामूहिक रूप से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। प्रकृति प्रेम से संबंधित है ये फेस्टिवल राव जनजाति के द्वारा चैत्र के माह में। ठीक है, तो बी का मैच हो जाएगा
टू। सी अमूस तिहार, जब मैदानी एरिया में सावन अमावस्या के दिन हरेली का फेस्टिवल मनाया जाता है तो जो जनजातीय अंचल है वहाँ पर अमूस तिहार मनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम है, सावन मतलब जुलाई अगस्त का माह है, सावन अमावस्या की बात चल रही है ना, अगस्त मान लीजिए, ठीक है। तो इस समय जब देखिए बारिश का मौसम है, जितने भी यहाँ पर रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और पशुओं की मेन भूमिका होती है कृषि में, तो इसलिए रोगों से बचाने के लिए, रोगों से सुरक्षित रखने के लिए पशुओं को इस दिन पशु औषधि खिलाए जाते हैं, पशु औषधियों की पूजा की जाती है इस दिन। स्पेशली जो रसना और शतावरी औषधि है इसकी पूजा की जाती है और पशुओं को इसे खिलाया जाता है। तो पशुओं से संबंधित है ये फेस्टिवल। अमूस तिहार कब मनाया जाता है? सावन के महीने में, सावन अमावस्या में मनाया जाता है। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वन। दियारी, हमारे लिए दिवाली का फेस्टिवल होता है तो इनके लिए दियारी का फेस्टिवल होता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में मनाया जाता है। जब पूरे क्षेत्र में हम दिवाली मनाते रहते हैं तो ये जो जनजातीय अंचल है ये लोग क्या मनाते हैं? दियारी मनाते हैं। इसे बस्तर का दिवाली कहा जाता है, या कह सकते हैं कि बस्तर में इसे दियारी कहते हैं। लेकिन कार्तिक माह में इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा गया है कि गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाता है, बहुत सारी किताबों में दिवाली के दिन लिखा गया है, लेकिन इसका कार्तिक माह में सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो गांव का मुखिया होता है वो डेट डिसाइड करता है। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है और इस 3 दिन में ये लोग क्या करते हैं, जो पहला दिन होता है उसमें धान की बालियां ही इनके लिए लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो लक्ष्मी मतलब कि धान की बाली और नारायण देव की पूजा करवाते हैं, उनका विवाह रचाते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं, बैलों को खिचड़ी खिलाते हैं, बैलों की पूजा करते हैं। और जो तीसरा दिन होता है उस दिन जो गोठान का एरिया है, गोठान मतलब चरवाहा जब गायों को चराने के लिए लेके जाता है तो जहाँ पर दिन में गाय विश्राम करते हैं वो जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? गोठान कहते हैं। तो गोठान की लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दियारी का त्यौहार, दियारी का पर्व जो है वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो डी का करेक्ट आंसर, डी का करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए सैला, बी परघौनी, सी दशहरा और डी गेड़ी। तो बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, बिल्मा, सैला, परघौनी और दशहरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गेड़ी नृत्य। अब बताते हैं कि ये जितने भी नृत्य है वो कैसे किए जाते हैं। सैला का मतलब होता है डंडा, डंडों के प्रहार से इस नृत्य को केवल पुरुषों के द्वारा, लगभग 30 से 50 पुरुष होते हैं, सम संख्या में होते हैं ये पुरुष जो होते हैं, इनके द्वारा नृत्य को किया जाता है। जो वृत्त बनाकर इस डांस को किया जाता है, जैसे कि गुजरात का डांडिया होता है वैसे ही डंडों के प्रहार से इस नृत्य को किया जाता है। एक पुरुष जो है दूसरे के डंडे को मारता है, डंडों के मार से ताल पैदा होती है, मांदरी वाद्य यंत्र बजाया जाता है और इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में 3 लोगों की मुख्य भूमिका होती है, एक मुख्य नर्तक जो कि क्यों क्यों की आवाज़ लगाता है, एक गाने वाला और तीसरा मांदर वाद्य यंत्र को बजाने वाला, ठीक। देखिए बैगा जनजाति लोग कहाँ निवास करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, मैकल रेंज में निवास करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में जब इस डांस को किया जाता है तो इसे सैला नृत्य कहते हैं, लेकिन जब इसी नृत्य को मैदानी क्षेत्र में किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा तो इसे ही डंडा नाच कहते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। परघौनी नृत्य परघनी के अवसर पर किया जाता है, जब विवाह के अवसर पर जब बारात का स्वागत किया जाता है, जो दूल्हा होता है उसे परघाया जाता है, तब इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में जो वर पक्ष है उनकी ओर से हाथी की मुद्रा बनवाकर नृत्य करवाया जाता है, तो इस नृत्य को ऐसे किया जाता है। दशहरा नृत्य, बैगा जनजाति के द्वारा दशहरे के अवसर पर ये नृत्य जो है वो प्रारंभ हो जाता है, दशहरे से लेकर दिवाली तक इस नृत्य को किया जाता है। देखिए इस जनजाति के लोग रावण वध वाला कोई दशहरा फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, इस नृत्य को ये लोग इसी दिन से करना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है? दशहरा नृत्य कहा जाता है। बाकी नृत्यों का द्वार कहा जाता है इस नृत्य को, ठीक है। गेड़ी नृत्य जो है वो गोंड मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो लकड़ी की गेड़ी होती है उसमें चढ़कर बहुत ही तीव्र गति से डांस करते हैं ये लोग, अपने शारीरिक कुशलता और संतुलन का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गेड़ी नृत्य है ये बैगा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है, गोंड मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? मैच है ये पूछा गया है।
देखिए डांस दिया गया है और उसके मैच में उसकी विशेषताएं बताई गई है, हमें मैच करना है। तो पहला ऑप्शन है दम नच, दम नच, दम लगा के नाचना, ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। कुरवा जनजाति के द्वारा इस नृत्य को विवाह के अवसर पर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है ये जो डांस होता है। और कहा जाता है ऐसा कि जितनी भी जनजातियों में किए जाने वाले नृत्य हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा भयावह होता है, ठीक है। तो इसका मैच ये नहीं है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य जो है वो भड़म नृत्य है। भड़म नृत्य जो है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भड़म नृत्य सबसे भयावह नृत्य, तो नहीं, सबसे भयावह नृत्य जो है वो दमनच है। और भड़म नृत्य जो है वो सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है, भारिया जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी गौर शिकार नृत्य, तो हाँ गौर जनजाति, माड़िया जनजाति, डंडामी माड़िया जनजाति के लोग जंगली भैंसे के शिकार का नृत्य करते हैं। युवक और युवतियां दोनों के द्वारा इस डांस को किया जाता है। ये शिकार नृत्य है, इस डांस को देखकर बेरियर एलविन ने कहा था कि ये विश्व का सुंदरतम नृत्य है और इस पर इन्होंने किताब लिखी थी द गौर। दंडामी माड़िया जनजाति को ही गौर माड़िया भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग गौर डांस करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मैथ सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जहाँ पर लिखा गया है ककसार जो है वो घोटुल का मुख्य समूह नृत्य है, ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ककसार जो है वो घोटुल का पूजा नृत्य है। जो घोटुल के देवता हैं लिंगोपेन, इनकी पूजा आराधना में ककसार नृत्य किया जाता है, पूजा नृत्य है ये घोटुल का। और मेन डांस ऑफ घोटुल है मांदरी नृत्य, मांदरी नृत्य जो है वो मांदर बजा के किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मांदरी नृत्य कहते हैं। पुरुष केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है लेकिन कहीं कहीं चिटकुल बजाते हुए महिला भी पार्टिसिपेट करती है। वृत्त में इस डांस को किया जाता है, एक वृत्त बनाकर डांस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मांदरी वाद्य यंत्र है उसे लेकर पुरुष जो है वो उसे बजाते हुए डांस करता है। इसमें किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है, इस प्रकार से ये लोग गोल घेरे में डांस करते हैं। और जो एक जो पुरुष होता है उसे कम से कम एक थाप के संयोजन को पेश करना होता है। ये डांस ऐसा होता है कि जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो ऐसा डांस करते हैं कि ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो कभी कभी इनका जो गोल घेरा होता है बहुत छोटा हो जाता है, तो कभी कभी जब ये लोग इधर मूव करते हैं तो इनका जो गोल घेरा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग ग्रुप में समूह में डांस करते हैं, महिलाएं भी कहीं कहीं पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बस्तर का आदिवासी थिएटर किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए भतरा नाट, बी नाचा, सी खम्ब स्वांग और डी गम्मत। तो देखिए नाचा और गम्मत ये छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में ये लोक नाट्य को किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। खम्ब स्वांग की बात करें तो ये कोरकु जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य है। मेघनाथ का खम्ब लगाकर आसपास स्वांग किया जाता है कोरकु जनजाति के द्वारा, तो इसे क्या कह रहे हैं इन लोग, खम्ब स्वांग कह रहे हैं, ठीक है। भतरा नाट, बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली भतरा जनजाति जो कि उड़ीसा से यहाँ आई हुई है, बस्तर और उड़ीसा का जो बाउंड्री का हिस्सा है वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है, तो इनके द्वारा जो लोक नाट्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भतरा नाट कहते हैं। ये जो लोक नाट्य ये उड़ीसा से आया है इसलिए इसे उड़िया नाट भी कहा जाता है। ये जो भतरा नाट होता है ये युद्ध प्रधान होता है, यहाँ पर रामायण महाभारत और जितने भी पौराणिक आख्यान होते हैं उनकी स्टोरी पेश की जाती है, उन पर आधारित होता है, जैसे कि रावण वध हो गया, किचक वध हो गया, कंस वध हो गया, इनकी स्टोरी को यहाँ पर पेश किया जाता है। केवल पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं, 20 से 40 पुरुष होते हैं जो लोग इसका मंचन करते है। चूंकि बस्तर की ये पूर्ण विकसित विधा है, लोक नाट्य का मतलब क्या हो गया, जहां पर संगीत होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, गान होना चाहिए, अभिनय होना चाहिए और स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोक नाट्य की बस्तर की पूर्ण विकसित विधा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बस्तर का आदिवासी थिएटर कहा जाता है। जनरली इसका आयोजन कब किया जाता है, गर्मी के अवसर पर, अगर कोई उत्सव मना रहे हैं, मड़ई का अवसर है, कोई भी पर्व या त्यौहार का या खुशी का समय है, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, भतरा नाट का आयोजन करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए भतरा नाट। अगला प्रश्न है टेराकोटा क्या है। ऑप्शन में दिया गया है ए कास्ट शिल्प, बी मिट्टी शिल्प, सी प्रस्तर शिल्प और डी धातु शिल्प। तो इसका सही आंसर बी मिट्टी शिल्प है। एक्चुअली देखिए जब मिट्टी को किसी आकृति में ढाला जाता है, कोई वस्तु बनाई जाती है, कोई मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मिट्टी शिल्प।
किसी रूप या आकार में जब इसे ढाला जाता है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, मिट्टी शिल्प कह रहे हैं। और जब इसे ही इस वस्तु को जिस रूप या आकृति में से ढाला गया जब उसे पका दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मृदशिल्प। यही है टेराकोटा कि जब मिट्टी मिट्टी से कोई संरचना बनाई जाती है, वस्तु हो गए, मूर्तियां हो गए, खिलौने हो गए, जो भी वस्तुएं बनाई जा रही है, जब उसे पका दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। बस्तर का टेराकोटा ये मिट्टी शिल्प का उदाहरण है। बस्तर का टेराकोटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके चार प्रमुख केंद्र है, नारायणपुर, इड़का, नगरनार और कुम्हारपारा। ठीक है, यहाँ पर आपको मृदशिल्प देखने के लिए मिलेंगे। ये जो चार प्रमुख केंद्र है, बस्तर में टेराकोटा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और एक इसका उदाहरण है, मिट्टी शिल्प का उदाहरण है। जो भी मिट्टी से आकृति बनाई जाती है उसको पकाया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि जब ये कोई रूप आकार धारण कर लेता है तो उसकी जो सतह होती है उसको चमकदार पॉलिश किया जाता है, उसे बहुत सारे अलंकरण किए जाते हैं, उस मूर्ति को सजाया जाता है। स्पेशली धार्मिक प्रतीक होते हैं इसमें और जीवन और प्रकृति से रिलेटेड वस्तुएँ बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोबर बोरानी पर्व किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए सुकमा, बी बस्तर, सी बीजापुर और डी कोंडागांव। तो इसका सही आंसर है ए सुकमा। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के कुछ ग्रामों में इस पर्व को मनाया जाता है। ये जो पर्व है ये चैत्र माह में 10 दिनों तक मनाया जाता है। क्या होता है, ये जो कुछ ग्राम हैं छिंदगढ़ विकासखंड के, तो ग्राम से लगे मैदान में क्या करते हैं, ये लोग देवी की स्थापना करते हैं, सुबह सुबह इनकी पूजा करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए। शाम को ये वापस लौटते हैं, घर में थोड़ा आराम करते हैं, फिर जितने भी लोग होते हैं जो इस पर्व को सेलिब्रेट करते रहते हैं वो सभी के सभी कहाँ आते हैं, इस मैदान में आते हैं, सोशल गैदरिंग होता है, यहाँ पर नृत्य गान का आयोजन किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। इस मैदान में एक गड्ढा होता है जिस गड्ढे में ये जितने भी लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोबर डालते हैं। 9 दिन तक इस उत्सव को ऐसा ही मनाया जाता है। फिर जो 10वां दिन होता है, अंतिम दिन, इस दिन ये जो गड्ढे में गोबर होते हैं इसे निकाल कर ये जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे को लगाते हैं और थोड़ा सा थोड़ी सी गोबर की जो मात्रा है वो यहाँ से ले जाकर अपने अपने खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है। अब जानते हैं इस उत्सव को मनाने का मोटिव क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 दिन तक ये एक ही गड्ढे में गोबर को डालते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खाद बना रहे हैं। और अंत में इसका क्या होता है कि इसे ये लेकर जाते हैं और अपने खेत में डाल देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपनी खेत की भूमि को, वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ करना चाहते हैं। ये जो गोबर है ये खाद के रूप में कार्य कर रहा है और ये इनकी मिट्टी को क्या करेगा, उपजाऊ करेगा, जिससे क्या होगी, फसल अच्छी होगी। तो अच्छी फसल के कामना के लिए, अपनी खेतों की भूमि को उपजाऊ करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के कुछ ग्रामों में चैत्र के माह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों व उनके पेय पदार्थों के संबंध में कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है, देखिए, ए का बैगा जनजाति का सल्फी, माड़िया का ताड़ी, गोंड का हंडिया और उराव का कोसमा। तो देखिए, पेय पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो CGPSC में जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि किस किस जनजातियों का प्रिय पेय पदार्थ जो है वो कौन कौन सा है। तो बैगा जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ सल्फी नहीं है। बैगा जनजाति मैकल रेंज में निवास करती है और यहाँ पर ताड़ी वृक्ष की बहुलता है। इनका प्रिय पेय पदार्थ ताड़ी है। ताड़ी का जो रस है वो ताड़ी के पेड़ के डंठल से निकलता है। ये लोग क्या करते हैं कि शाम को वो जो ताड़ी का डंठल होता है वहाँ पर कोई भी कंटेनर लटका के रख देते हैं और सुबह तक उसमें वो जो मटका होता है या कंटेनर होता है वो रस से भर चुका होता है। जब ये फ्रेश होता है मॉर्निंग में तो ये शरीर के लिए लाभदायक होता है, ये औषधि का काम करता है, बीमारियों से बचाता है। लेकिन जब ये इसे धूप पड़ती है, ठीक है, जब इसे धूप पड़ती है तो फिर क्या होता है कि ये इसमें खमन आता है और ये नशे का काम करने लगता है। तो बैगा जनजाति का पेय पदार्थ क्या है, ताड़ी है। माड़िया जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं ये लोग, यहाँ पर सल्फी वृक्ष की बहुलता है बस्तर के क्षेत्र में। तो इनका जो प्रिय पेय पदार्थ है वो सल्फी है। सल्फी वृक्ष के डंठल से सल्फी का रस निकलता है, सेम प्रोसेस है निकालने का। गोंड जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ पेज है, चावल से बनता है। ये पेज जो है चावल को पका कर बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उराव जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ कोसमा है। तो हाँ, उराव जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ कोसमा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोंड जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा है, पेज है। बैगा जनजाति का ताड़ी है। पहाड़ी कोरवा जनजाति का हंडिया है।
माड़िया जनजाति का सल्फी है और उराव जनजाति का कोसमा है। तो आप लोग ना ऐसे मैप में इसे लिख लीजिएगा कि नीचे क्या मिलता है, सल्फी मिलता है, इधर क्या मिलता है, ताड़ी मिलता है। पहाड़ी कोरवा जनजाति इस एरिया में रहती है तो यहाँ क्या है, हंडिया। उराव इस एरिया में रहती है तो यहाँ पर कोसमा लिख लीजिएगा। गोंड लगभग छत्तीसगढ़ में निवास करती है, पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन स्पेशली देखें तो बस्तर संभाग की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग पेज लिख लीजिएगा। तो ऐसे मैप में डिक्टेट करके इसे याद कीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि कौन सा वृक्ष कहाँ अवेलेबल होता है या किसके परंपरा में किस प्रकार के पेय पदार्थ जो हैं वो पिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सैन्य कार्य, बोझा ढोने का कार्य, कृषि कार्य और बांस का बर्तन बनाने का कार्य। तो देखिए जितनी भी जनजातियाँ हैं और उसके पारंपरिक कार्य आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडरा जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, छत्तीसगढ़ का जो बीच का हिस्सा है, रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, धमतरी, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये जनजाति के लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियों की लिस्टिंग में इन्हें गोंड की उपजाति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये जो कंडरा शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति कांड से हुई है, इसका मतलब होता है बाढ़। इनके जो पूर्वज थे वो बांस से बाण का निर्माण करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, कंडरा कहा गया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बांस का प्रयोग करके ये लोग बाण का, बांस के बर्तन का निर्माण करते हैं, सूपा, टुकनी, ये सब का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कंडरा कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बांस का बर्तन बनाने का कार्य। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए बैगा, बी गोंड, सी बिंजवार और डी उपरोक्त सभी। तो जितनी भी जनजातियाँ ऑप्शन में दी गई है, बैगा, गोंड, बिंजवार, उराव, ये सारी जनजातियाँ जो है सबके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। विजयादशमी से लेकर वर्षा ऋतु के आगमन तक इस नृत्य को किया जाता है, वर्षा ऋतु में इस नृत्य को नहीं किया जाता है। ये जो नृत्य है ये जनजातियों के कठोर वन्य जीवन, श्रम और उनकी कृषि संस्कृति पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि कठोर वन्य जीवन का मतलब ये लोग जंगलों में निवास करते हैं, मेहनत करते हैं और सादा जीवन व्यतीत करते हैं, प्रकृति प्रेम से रिलेटेड है ये जो नृत्य होता है। कर्मा गीत गाया जाता है, वाद्य यंत्र मांदरी वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है इस नृत्य में। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।